दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ब्लॉग से। मैं हूं प्रदीप, आई होप कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। दोस्तों, मैं आया हूं बैंगलोर का गांव में आया हूं, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अंगूर का पेड़ है और आपको दिखा देंगे सारा ये चारों तरफ का अंगूर का पेड़ है और इसमें अंगूर काफ़ी ज़्यादा है और इसमें अभी फल आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आपको जूम करके भी दिखाएंगे सकते हैं, जो कि अंगूर का पेड़ आपको दिखाएँ। अंगूर का पेड़ अंगूर का भी फायदा जिसको डैड बोलते हैं ये सब है और ये इसका अभी देख रहे हैं सीजन अभी लग गया इसका फर, इसके फूल देख रहे हैं, ये फूल हो गया इसका और एक से करीब 15 से 20 दिन के बाद ये अंगूर आ जाएगा इसमें, और जो कि ब्लैक वाला अंगूर है आपको चारों तरफ का दिखा रहे हैं और कम से कम 10 से 15 कट्ठे में जो अंगूर का पेड़ है लगा हुआ है, देख रहे हैं अंगूर का पेड़ 10 से 15 कट्ठे में लगा हुआ है देख सकते हैं और आपको ऊपर की तरफ भी दिखाएंगे, देख सकते हैं सारा अंगूर का ही पेड़ है। वही वीडियो को लास्ट सभी दिखाएंगे और ये देख रहे हैं ये अभी छोटा छोटा सा सूखा सूखा सा दिख रहा है, इसी में जो अंगूर लगेगा इधर का देखिए दोस्त, ये देख सकते हैं आप ये अभी अंगूर बनना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं इसी में अंगूर बनेगा और 10 से 15 रोज के बाद ये आ जाएगा तो फिर से पूरे में फट जाएगा, फिर से मैं नई वीडियो आप लोगों के पास रखूँगा, आप लोगों के बीच में रखूँगा। इधर भी है बारिश का मौसम है दोस्तों, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख सकते हैं इधर इधर दिखाइए इधर इस तरफ बदल इस तरफ से दिखाओ अंगूर का, ये अंगूर अभी अंगूर बन रहा है थोड़ा थोड़ा, देख रहे हैं इसमें ये जो है सो अंगूर थोड़ा थोड़ा बन रहा है, ये अंगूर का ये है अंगूर का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दाना आ गया, अभी इधर का भी दिखाइए सभी इस तरफ का भी दिखाइए थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ और चारों तरफ का दिखा रहा हूँ कि कितना दूर में है और एक बार नीचे करके भी अपनी कैमरा मैन से बोलेंगे थोड़ा एक बार नीचे करके भी थोड़ा दिखाएंगे कि कितना फैला हुआ, कम से कम 5 से 10 किलोमीटर 5 से 10 कट्ठा में जो मेरा अंगूर का है वो सुनो सुनो कैमरा में जूम करके भी अच्छा सुनो सुनो दिखाई चारों तरफ का नज़ारा दिखाई कि अभी अंगूर आ रहा है और 1 से 1.5 महीने के बाद मैं आपको नया दूध लगेगा और अब लगने वाली है इसमें 1 से 1.5 महीने बाद अभी दिखा दूँ पका हुआ है, ये सभी पका हुआ है और ये सभी देख रहे हैं कितना सारा पकता है, ये से 10 से 15 रोज के बाद सभी आ जाएगा सारा दिखाएँ कितना दूर में मेरा अंगूर का पेड़ है, जो कि अभी तो अभी लोग थोड़ा मौसम बारिश टाइप का हो गया इसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं दिखता होगा, फिर भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये सारा अंगूर का भी पेड़ है, थोड़ा दिखाइए इसे से थोड़ा मेरा भी पेड़ है इसमें लगे कि फल जो लग जाएगी तो उसके बाद में भी आपको दिखाएंगे और देखिए यही है अंगूर का पेड़ देख सकते हैं, ये अंगूर का पेड़ है अभी ये सूखा नहीं है ऐसे दिखता है पर सूखा नहीं है, ये मौसम के वजह से ऐसे दिख रहा है और ये सब सूखता नहीं है, अभी पतझड़ के मौसम देख रहे हैं अभी लग गया सारा, ये अंगूर का ही पेड़ है ऊपर करके भी दिखाइए थोड़ा ऊपर करके भी दिखाइए क्योंकि इसमें जाली लगा हुआ है देख रहे हैं ना, इसमें तार काटा डाला हुआ है जिससे कि इसी पे लदर के इस पर सारा फल फलता है, देख रहे हैं ना इधर का भी ये तार काटा है जो कि ये बहुत टाइट मजबूत बनाया जाए ताकि इस पर जो इसका डायर आएगा तो अच्छा से इस पर फले ताकि नीचे की तरफ ना फिर भी लटक जाता है, जैसे कि उस पर फल लगेगा तो वजन बढ़ने के कारण से नीचे आता है, ये सभी देख सकते हैं ये सभी भी ये सब थोड़ा दिखाइए इधर भी इस सबको भी दिखाइए दिखाइए इस सबको भी ऊपर की तरफ भी दिखाइए नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा इधर का भी दिखाइए थोड़ा हाथ ऊपर करके भी दिखाइए ज़रा जो कैसा अंगूर का पेड़ होता है दोस्तों आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए क्योंकि आप लोग सिर्फ नाम सुने होंगे लेकिन रियल लाइफ में नहीं देखे होंगे, दिखाइए सभी सारा दोस्तों आप रियल लाइफ में नहीं देखे होंगे जो कि आप सिर्फ फिल्मों में देखेंगे, अब आपको बारीक से दिखा रहे हैं कि नज़दीकी आके अंगूर के बगान में आके मैं वीडियो बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको, ये सब ये अंगूर का पेड़ है देख सकते हैं, इसका पेड़ भी कैसा है थोड़ा ऊपर का भी दिखाइए थोड़ा थोड़ा अच्छे से दिखाइए थोड़ा जूम करके भी दिखाइए इधर का भी दिखाइए और मौसम अंधेरा मतलब बारिश का मौसम है और थोड़ा नीचे का भी दिखाइए कैसा इसका जमीन है किस जमीन पर ये उगता है थोड़ा दिखाइए नीचे का सभी
देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो किनारा जो है ना, इसका देख रहे हैं कैसे उसको कोड़ दिया जाता है, उसको कोड़ के जो पानी उनी डाला जाता है, उसके बाद इसे होता है सारा। दिखाइए तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सारा 10 कट्ठा में जो फैला हुआ अमरूद का पेड़ है, ये सभी अमरूद का पेड़ है। थोड़ा ऐसे जगह पर हाथ ऊपर करके दिखाई, ऊपर का कैसा है और नीचे कैसा है दिखाइए। सब्जी का भी है, सभी है, पपीता है, कटहल है। दोस्तों आप देख सकते हैं सर, थोड़ा दिखाई इधर थोड़ा स्लो करके दिखाई, क्योंकि छोटा छोटा भी देख सकते हैं, इसमें छोटा छोटा अंगूर लग गया, इधर का भी लग गया, इधर का भी आ गया, सभी यानी सभी में पेड़ जितना भी कर दी 500 से 600 अंगूर का पेड़ है, उसमें सारा लग गया है अंगूर, और 10 से 15 दिन के बाद फाइनली अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों फिर बीच में रखेंगे वीडियो, इधर पानी का भी स्रोत है, देख रहे हैं यहाँ कुआं है, उसको भी दिखा दो, और सारा क्या हो दिखाई थोड़ा इधर का, ये अभी भर रहा देख रहे दोस्तों, ये अंगूर का पेड़ है, ये अंगूर हो गया, अभी दाना आ गया इसमें अंगूर का, देख रहे इधर का भी है, इधर भी है, सारा अंगूर का ही है, देख सकते इधर इधर का भी। देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कितना अंगूर का अगर भैया ने परमिशन लेके आए हैं, मतलब नहीं करता है भगवान के अंदर रहता है, काम करता है वो है और देख सकते हैं अंगूर जैसे अंगूर, ये अंगूर का पेड़ है दोस्तों, ये अंगूर का पेड़ है। अब देख रहे हैं इधर का मिट्टी, देख मिट्टी दिखाई दे, ये अंगूर का पेड़ है, देख रहे हैं ये अंगूर पेड़ है, इधर का मिट्टी देखिए दोस्तों कितना हल्का है, जो ऐसे हाथ से कोड़ने से भी हो जाता है। देखिए ये मिट्टी है, इधर का नॉर्मल मिट्टी है, देखिए क्योंकि इसी में होता है। ये सभी अंगूर का ही पेड़ है, थोड़ा इधर का भी दिखाई कितना इसमें फल लग गया, और इधर का भी दिखाई सभी। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे ये अंगूर भरा हो जाएगा तो 10 से 15 रोज के बाद फिर आप लोगों के बीच में एक मैं नई वीडियो रखूँगा, जिसे पूरे भरा भरा सा ब्लैक ब्लैक सा अंगूर इसमें लगेगा, तो मैं फिर आप लोगों के बीच में एक वीडियो बना के रखूँगा, और दिखाएंगे क्योंकि उस टाइम कैसा था अभी, और उस टाइम जो आए थे उस टाइम कैसा वीडियो बनेगा वो आपको दिखाएंगे।
काट भी सकता है, देख लेना, थोड़ा जूम करके दिखाइए, क्योंकि बागान के अंगूर का बागान के अंदर ये छोड़ा गया है, उसको मालिक को बोल दिया है इसको इसके बैट नहीं करने के लिए, इसलिए अभी सोया नहीं, तो बुखार कुत्ते काट भी सकता है, देख सकते हैं ये सभी। इधर कभी दिखाइए, इधर कभी दिखाई, दो इधर है एक इधर है, बहुत ही खतरनाक है। अगर इधर साइड में चलते हैं, दोस्तों ये बैट भी कर सकते हैं, इसलिए हम डर भी हो रहा है, कभी भी कुछ अटैक कर सकता है। आधा मैं बीच में आ गया हूँ, तो आप दिखाएंगे कैसा कितना कितना टाइम लगता है। बताऊंगा दिखाऊंगा आप लोगों को, लाइव भी जुड़िएगा मेरे साथ, देख रहे सारा अंगूर कहीं पेड़ है, थोड़ा ऊपर हाथ करके दिखा दीजिए थोड़ा कैसा इसका होता है, इसका पेड़ भी कैसा होता है दिखा दीजिए। और इसमें देख रहे दोस्तों ये जो है कूटा, जिसे फूटे बोलते हैं ना, वो भी हाँ फूटे फूटे लगा के इसको उतार काटे डाल के इस पर रखा गया, ताकि टाइट है, देख रहे ये टाइट है, क्योंकि ताकि ये नीचे की तरफ ना आए, देख रहे दोस्तों इस तार काटे पर सारा इस पर लटका हुआ नीचे की तरफ आएगा, ताकि वो कंट्रोल कर सके, ये तार साफ से बांधा हुआ है, देख सकते हैं ये कितना जाने में टाइम, कम से कम 10 मिनट तो हमको ये अंगूर का बागान पार करने में लग जाएगा, 10 मिनट तो लगेगा। इधर पर जो पटाया पाया जाता है पंप से, बोर्डिंग का भी सारा बोर्डिंग से पटाया जाता है, इसको पानी डाला जाता है, मेरे पीछे का दिखाइए कितना दूर में अभी, जूम करके दिखाइए, मेरे ये मेरे पीछे के है, मैं अपने आगे के भी दिखाऊंगा, ये मेरे पीछे का उस तरफ तो मेरे आगे का होगा, रास्ता बना हुआ जाने आने के लिए, जिसमें ठेला या कोई चीज़ है उसको तोड़ गिलास को उसे तोड़ा जाता है, उसके बाद मार्केट में बेचा जाता है, इसकी दारू भी बनती है। और ये मेरे पीछे के है, और मैं अपनी आगे की दिखा रहा हूँ, दिखाई मेरे आगे की तरफ, इस तरफ का दिखाई, ये दोस्तों ये मेरे आगे की तरफ है, देख लें ये मेरे आगे की तरफ का है, दोस्तों मैं खाली निकल रहा हूँ।